हेलो, वेलकम टू माय फूड चैनल अम्मी का जायका। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर कोफ्ते की रेसिपी। पनीर कोफ्ते खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। पनीर कोफ्ते बनाने के सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोफ्ता और दूसरा करी। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पनीर कोफ्ते की करी बनाने से। अब हम सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी करी, जिसके लिए एक पैन में थोड़ा सा ये बटर और थोड़ा सा ये ऑयल हीट किया है, जिसमें ये एक तेज़पत्ता डाल दिया, एक ये बड़ी इलायची डाल देंगे, ये तीन चार छोटी इलायची इसमें डालना है, तीन चार लौंग और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे शाही ज़ीरा, जिसे स्याह ज़ीरा भी बोलते हैं, ये ऐड कर देंगे। और ये दो छोटे साइज़ के अनियन चॉप करे हुए थे, ये इसमें डाल देना है। इसे हमें थोड़ा सा पकाना है, इसे हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसका हमें फ्राई नहीं करना है। दो इसमें ये ग्रीन चिली डाल दी है। अब एक टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। आपके पास अगर चॉप्ड किया हुआ है तो आप वो डाल दीजिए, मेरे पास ये पेस्ट बना हुआ रखा था तो ये मैंने उसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने जो पाउडर के मसाले हैं, ये हम अपने इसमें ऐड कर देंगे। ये हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ये हाफ टी स्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है, और ये हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर डाला है भुना हुआ, ये मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको हल्का सा इस तरह से चला के पका लेना है। हमें इतना इसको पकाना है क्योंकि हमें इसको बाद में इसका मसाला तैयार करना है। ये दो बड़े साइज़ के टोमेटोस चॉप करे हुए थे जो इसमें डाल दिया है। जितना मैंने अनियन लिया है उसका जस्ट डबल मैंने ये टमाटर लिया है। ये थोड़े से मैंने 15-20 ये काजू ऐड किए हैं इसमें। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसे ठंडा करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम तैयार करते हैं ये अपने कोफ्ते। कोफ्ते के लिए मैंने ये एक कप ये ग्रेटेड पनीर लिया है, ये एक कप बॉयल आलू था जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। जितना हमें पनीर लेना है बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी में हमें आलू भी लेना है। अब दोनों को एक साथ मिक्स कर दीजिए और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये जिंजर, थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा ये फ्रेश कोरिएंडर। कोफ्तों में जिंजर और ग्रीन चिली का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। अब ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने चॉप्ड करके इसमें ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। ये थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिए। ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है जो कि हमारे कोफ्तों में बाइंडिंग का काम करेगा। ये देखिए, ये इस तरह से सारी चीज़ों को मैश करके ये इसका एक डो तैयार कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा लेके इस तरह से हाथ पे रख के छोटे छोटे से नींबू के साइज़ के हम बॉल तैयार कर लेंगे। शेप आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो, अगर आप लंबे कोफ्ते बनाना चाह रही हैं तो आप लंबे बना लीजिए, अदरवाइज़ गोल बनाइए। अब ये देखिए, ये 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका के ये गल गए हैं हमारे सारे मसाले। अब इन्हें ठंडा करके हम पीस लेंगे। अब ये हमारे कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं, जिसको फ्राई करने के लिए मैंने ये एक पैन में ऑयल जो है हीट करके रख लिया है। अब इसमें इस तरह से कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। जब अपने कोफ्ते फ्राई करिएगा तो अपने गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पे ये कोफ्ते नहीं तले जाएंगे, वरना ये कोफ्ते जल जाएंगे और हमें वो जला हुआ कलर नहीं चाहिए कोफ्तों का, तो हमें इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, जिस तरह से हम अपने रसगुल्ले फ्राई करते हैं। अगर आपने रसगुल्ले बनाए हैं तो बिल्कुल जस्ट लाइक रसगुल्ले, बिल्कुल उसी तरह से आप इन्हें फ्राई करिए। ये देखिए, ये अब हमारे पनीर के जो बॉल्स थे ये बहुत
अच्छे फ्राई हो गए हैं। इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही आया जैसे हमें चाहिए था। अब हम इनको निकाल लेंगे एक बॉल में और अब हम तैयार करेंगे अपनी ग्रेवी। अब हम तैयार करते हैं अपनी ग्रेवी, जिसके लिए एक पैन में मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर हीट करके रख लिया है, और जो हमारे मसाले थे उनका मैंने ये एक बहुत अच्छा सा पेस्ट पीस के तैयार कर लिया था। ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बनाइएगा, क्योंकि ये हम पनीर कोफ्ते बना रहे हैं जिसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत स्मूथ और सिल्की होती है, तो इसका पेस्ट बहुत अच्छा बिल्कुल बनाइएगा। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिए। अब ये इसमें एक कप मैंने ये दूध ऐड किया है, दूध मैंने वही रेगुलर जो हम घर में यूज़ करते हैं ये लिया है, और इसको अब हम ढक के कम 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारे मसाले और अच्छे से पक जाएं। हमारे मसाले पहले ही ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन इनको थोड़ी देर हम रख के और पका लेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाएं और मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए, ये करीब 8 से 10 मिनट हमारे मसाले मैंने इनको ढक के पका लिया है, बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून फ्रेश क्रीम। अब हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ते, तो मलाई ऑब्वियसली उसमें पड़नी ही है, तो इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। अब ये देखिए, ये ग्रेवी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ये कोफ्तों पे हम डाल देंगे। पनीर कोफ्ते के जो कोफ्ते होते हैं वो ग्रेवी में डाल के नहीं पकाए जाते हैं, इस तरह से कोफ्ते अलग तैयार करे जाते हैं और ये ग्रेवी अलग तैयार करी जाती है, उसके बाद फिर ये इस तरह से इनमें ऐड किया जाता है, जो ग्रेवी है वो इस पे इस तरह से डाल दी जाती है। ये देखिए, हमारे पनीर कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसे गार्निश कर दिया है श्रेडेड पनीर और क्रीम से, बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, सबको खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।